एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कल हम लोगों ने दो क्वेश्चन किए थे, ठीक उसी के आगे मिक्सचर में दो क्वेश्चन और देखते हैं आज नए तरीके से। क्या है देखते हैं आइए। पहला क्वेश्चन मेरा है, सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक, बताइए कि तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। देखते हैं, जब ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक पहला क्वेश्चन तो यह आता है जिसमें इनकी धारिता समान होती है, दूसरा क्वेश्चन वो आता है जिसमें इनकी धारिता अलग अलग होती है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनकी धारिता समान है। तो अभी देखते हैं जिनकी धारिता समान है, और कल देखते हैं फिर वो जिसकी धारिता असमान होती है। अच्छा क्वेश्चन होता है, आओ देखते हैं क्या करते हैं इसका। पहले बर्तन में क्या अनुपात दिया गया इनका, 7:2 दिया गया सोने और तांबे का। दूसरे बर्तन में इनका अनुपात दिया गया है 7:11 दिया गया सोने और तांबे का। अब कह रहा है हमसे कि इन दोनों की धारिता समान है, ठीक, और इन दोनों को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो उस तीसरी मिश्र धातु में इनका अनुपात क्या होगा। तो बच्चे क्या करते हैं इसको, सोना 7 है, टोटल कितना है 9, फ्रैक्शन में लेते हैं, इसमें 7 है, टोटल कितना हो जाएगा इसमें 18, फ्रैक्शन में लेते हैं। तो इसको फ्रैक्शन से नहीं करना है इस क्वेश्चन को, देखो इसका दूसरा तरीका इसका क्या है, इसको बराबर कर लेते हैं। जब बराबर करते हैं तो यहां पे हमने देखा सोना मेरा 7 है और तांबा मेरा 2 है, तो टोटल मेरा हो जाएगा यहां पर 9, टोटल मेरा हो जाएगा यहां पर 9। यहां पे सोना 7 है और तांबा 11 है, तो टोटल मात्रा इनकी हो जाएगी 18। ठीक, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी बराबर मात्राएं पिघलाई गई है। हमने यहां पे देखा है 9, यहां पे देखा हमने 18 है, तो सबसे पहले इनको हम बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हमको इनका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम इनका आ जाएगा 18, एलसीएम इनका आएगा 18, तो ये अपने एलसीएम पे बराबर हो जाएंगे। अब ये 18 है और ये है 9, तो इसको 18 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे अपनी तरफ से, और सेम कल की तरह जैसे कल हमने किया था वैसे ही इस नंबर को अंदर भी कर देंगे जाकर के गुणा। तो ये मेरा बन जाएगा 14 और ये मेरा बन जाएगा 4। ठीक, हमने देखा था यहां पे 7 है, यहां पे 2 है, टोटल हो गया था मेरा 9, इसमें देखा 7 है और 11 है, टोटल हो गया मेरा 18 है। बोला गया इन दोनों को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है और समान मात्राएं लेकर बनाई जाती है। इसमें हमने देखा 18 बन रहा था, इसमें देखा था 9 बन रहा था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इनको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम का 18 आएगा, ये 18 है, इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, जो 2 से गुणा किया हमने अपनी तरफ से वही गुणा अंदर भी कर देंगे जाके, तो 7 में गुणा करेंगे तो 14 बन जाएगा, 2 में गुणा करेंगे तो मेरा 4 बन जाएगा। हमसे बोला गया यहां से और यहां से सोना इकट्ठा कर दिया गया और यहां से और यहां से तांबा इकट्ठा कर दिया गया, तो पहले वाले बर्तन में सोने की जो धारिता है मात्रा है वो है 14 और दूसरे वाले जो है वो है 7। इसी तरीके से इसमें देखते हैं पहले बर्तन में जो तांबे की मात्रा है वो है 4, दूसरे बर्तन में जो तांबा की मात्रा है वो है 11, और हमसे बोला गया इनको इकट्ठा कर दिया गया, तो ये हमने देखा ये मेरा बन जाएगा 21
और ये हमारा बन जाएगा 15। इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं तो अनुपात हमारा 3 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा मेरा 5। इस तरीके से ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले को बोला गया पहले बर्तन में इनका अनुपात है 7:2, दूसरे बर्तन में इनका अनुपात है 7:11। हमने देखा कि पहले बर्तन में टोटल मेरा बनेगा 9, दूसरे बर्तन में टोटल मेरा बनेगा 18। हमसे बोला गया इनकी धारिताएं बराबर हैं, तो सबसे पहले इनकी हम धारिताएं बराबर करते हैं। इसमें है 9, इसमें 18। बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम इनका आ जाएगा 18, क्योंकि एलसीएम पे ये बराबर हो जाते हैं। तो इसको 18 बनाने के लिए हमने 2 से गुणा कर दिया और ये मेरा 18 है। अब जो हमने 2 से गुणा किया है वही हम इसमें अंतर कर देंगे, तो 7 में जब गुणा करेंगे तो मेरा बनेगा 14 और 2 में करेंगे तो मेरा बनेगा 4। पहले बर्तन से सोने की मात्रा है 14, दूसरे बर्तन में सोने की मात्रा है 7। इसी तरीके से पहले बर्तन में तांबे की मात्रा है 4, दूसरे बर्तन में तांबे की मात्रा है 11। टोटल मेरा जो सोना होगा वो हो गया 21, तांबे की मात्रा टोटल हो जाएगी मेरी 15। हमने अनुपात निकाल लिया 7:5 हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है। इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया गया है कि बराबर धारिताओं के 3 बर्तन, जिस तरीके से उसमें 2 बर्तन थे सेम उसी तरीके से इसमें बोला जा रहा है कि इसमें 3 बर्तन है। बराबर धारिताओं के पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे बर्तन में अनुपात 7:3 है तथा तीसरे बर्तन में 11:4 है। यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, उसमें 2 बर्तन थे और इसमें 3 बर्तन है। इसमें पहले ही हमसे बोला जा रहा है कि बराबर धारिताएं हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या है। पहले बर्तन में मेरा जो अनुपात दिया गया वो दिया गया 3:2 और दूसरा बर्तन है उसमें मेरा अनुपात दिया गया है 7:3 और तीसरा जो बर्तन है उसमें मेरा अनुपात दिया गया है 11:4, ठीक। ये मेरा अम्ल है और ये मेरा पानी है। हमसे बोला गया कि तीनों की बराबर धारिता लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। आप समझते हैं इसमें क्या इस टाइप से। तो इसको भी इसमें पलट दिया गया, इसको इसमें पलट दिया गया और इसको भी इसमें पलट दिया जाता है। तो यहाँ पे अम्ल और पानी का जो अनुपात होगा वो चाहिए। यहाँ पे हमने देखा टोटल मेरा हो रहा है 5, यहाँ पे हमने देखा मेरा हो रहा है 10, यहाँ पे हमने देखा हो रहा है मेरा 15। तो सबसे पहले हमसे बोला गया कि इनकी धारिताएं बराबर हैं, तो हमको बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि हमेशा अपने एलसीएम पर बराबर हो जाते हैं। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 30। 5, 10, 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा मेरा 30। इस 5 को 30 करने के लिए हम इसमें गुणा कर देंगे 6 से, इसमें कर देंगे हम 3 से और इसमें कर देंगे हम 2 से। और जो गुणा हमने अपनी तरफ से किए बराबर करने के लिए ये हम अंदर कर देंगे जाकर के। ये मेरा बनेगा 18, ये मेरा बनेगा 12। सेम इसी तरीके से इसमें कर देंगे अंदर, ये बनेगा मेरा 21 और ये बनेगा मेरा 9। इसी तरीके से इसमें भी कर देंगे, ये बनेगा मेरा 22 और ये बनेगा मेरा 8।
इसके बाद में तीनों बर्तन से अम्ल इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद तीनों बर्तन से पानी की मात्रा इकट्ठा कर लेते हैं। बस मेरा आंसर आ जाता है। देखिए अम्ल और पानी का क्या निकलता है बात। पहले बर्तन में अम्ल मेरा है 18 और पानी मेरा है 12। सेम दूसरे बर्तन में अम्ल मेरा है 21 और पानी मेरा है 9। इसी तरीके से तीसरे बर्तन में अम्ल मेरा है 22 और पानी मेरा है 8। इस बर्तन में देखा हमने अम्ल 18 और पानी मेरा 12 हो रहा था। दूसरे बर्तन में अम्ल मेरा 21 हो रहा था और पानी मेरा 9 हो रहा था। सेम इसी तरीके से तीसरे बर्तन में 22 और 8 हो रहा था। हमने क्या किया, तीनों बर्तन से अम्ल ढक रख लिया, 18 21 और 22 ये अम्ल इकट्ठा कर लिया। जैसे बात पानी की आती है तो पानी पहले बर्तन में 12 था, दूसरे में 9 था और तीसरे में 8 था। हमने क्या किया, इन सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 18 21 और 22 अगर हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये बन जाएगा 61। इसी तरीके से इसको इकट्ठा करते हैं 12 9 और 8, ये मेरा बन जाएगा 29। बस अब ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे नहीं, तो फाइनल मेरा आंसर यही 61:29 बन जाएगा। ये मेरा आंसर होगा फाइनल। अब ये दो क्वेश्चन मेरे हैं जिसमें एक में दिया गया मेरे को दो बर्तन है, दूसरे क्वेश्चन हमसे बोला गया तीन बर्तन है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आगे कोई क्वेश्चन आता है इसमें चार बर्तन या पांच बर्तन बोले जाते हैं तो वो भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इसमें धारिताएं बराबर हैं। इसके बाद अगले टाइप मिलेंगे उसमें धारिताएं चेंज होती है। ठीक, उसके साथ मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही है, बाकी कर लेते हैं।